बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ माया खान और मैं हूँ शाज़ेब अहमद। इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुबह सवेरे पाकिस्तान। आज शाज़ेब, प्रोग्राम का आगाज़ जो है हम एक बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ कर रहे हैं। माहिरे अमराज़ खून डॉक्टर ताहिर शमसी इंतकाल कर गए। इंतहाई अफसोस, और परवरदगार उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। बिल्कुल, कुछ दिनों से वो आईसीयू में थे, उनका ऑपरेशन हुआ था, उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके बाद अभी अफसोसनाक खबर सामने आई है कि डॉक्टर ताहिर शमसी इंतकाल कर गए हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि डॉक्टर ताहिर शमसी का शुमार बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बानियों में होता है। इसके साथ साथ आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि जब कोविड की पहली लहर आई थी, उसके बाद हमने देखा था कि डॉक्टर ताहिर शमसी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि प्लाज्मा के ज़रिए कोविड पेशेंट्स को ठीक किया जा सके, तो उनकी बहुत सारी खिदमात हैं और उन खिदमात को हम सलाम भी पेश करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अफसोसनाक खबर आज ये सामने आ रही है कि डॉक्टर ताहिर शमसी इंतकाल कर गए हैं, जो कुछ दिनों से ज़ेर इलाज थे निजी अस्पताल में। आगे चलते हैं और आगे चलकर अब ये बात कर लेते हैं कि हम, जैसा कि हमने देखा कि महंगाई पर काबू के दिलासे काम नहीं आए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ गई है। तब्दीली आ भी गई है और वो तब्दीली पे कई सवाल भी हैं साथ साथ शाज़ेब के भाई, क्या ये महंगाई थी या इसकी वजूहात कुछ और थी इन बल्दियाती इंतखाबात के बाद जो मनाजर देखने में आए। बेकाबू महंगाई को ज़रूर उसका रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, लेकिन क्या सिर्फ महंगाई रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल सही कह रही हूँ। और आवाम ने अदम एतमाद का इजहार किया एक तरीके से, और हमने देखा है कि जो बलदियाती इंतखाबात हुए उसमें हुक्मरान जमात को नाकामी का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर के पी महमूद जान ने शिकस्त का जिम्मेदार साथी अरकान असेंबली को करार दिया है जी। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वफाकी वजीर शिबली फराज ने यह कहा कि बहुत से कारकुन नाराज थे, इसलिए हम हार गए इस भी प्रोग्राम में आगे बात होगी। और अब बात हो जाए जरा मिनी बजट जो आने वाला है। मिनी बजट आएगा, टैक्स टारगेट महदूद होंगे। अच्छा, वफाकी तरक्याती बजट का जो जनाब ये एक टारगेट है, ये गोल है, ये कम होगा। क्या लगता है पाकिस्तान आईएमएफ के कहने पर तीन बड़े इकदामात जो होंगे? बिल्कुल, आईएमएफ के कहने पर बड़े इकदामात अब करने होंगे क्योंकि मुआहदा हम कर चुके हैं और तीन बड़े इकदामात हम करने जा रहे हैं। और वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान 350 अरब रुपये से ज़्यादा टैक्स महसूलात का मिनी बजट नहीं लाएगा, और इसके साथ साथ वफाकी तरक्याती बजट का हजम 900 अरब रुपये से कम करके 700 अरब रुपये किया जाएगा। आगे चलकर इस पर भी तफसीली बात होगी, लेकिन साथ साथ आपको ये बताना भी जरूरी है कि अब कोई भी शख्स एक दिन में $1,000 से ज्यादा नहीं खरीद, $10,000 से एक दिन में नहीं ज्यादा ले सकता, और एक साल में $1,00,000 से ज्यादा आप पैसे नहीं एक्सचेंज करा सकते। अच्छा, डॉलर भैया उसके बराबर ही कोई और करेंसी भी हो ना, आप $1,00,000 की जो लागत होती है ना PKR, उससे ज्यादा आप एक दिन में और उससे ज्यादा एक साल में आप नहीं निकलवा सकते। नई रेगुलेशंस पास हो गए, स्टेट बैंक ने ये कवायद जो है वो सख्त कर दिए हैं गैर मुल्की करेंसी के हवाले से, तो ये खबर है आपके लिए। और इसके साथ साथ अब आपको ये बताना भी जरूरी है कि अब NCOC ने एक फैसला किया है, जिस फैसले के बाद जो 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद हैं वो बूस्टर्स लगवा सकते हैं अपनी मर्जी के, लगवा सकते हैं। लेकिन ये भी बात है कि अगर उन्हें तीसरी वैक्सीनेशन करानी है तो तीसरी वैक्सीनेशन एज अ बूस्टर भी यूज हो सकती है, ये भी खबर आई कि तीसरी वैक्सीनेशन आप ऐसे बूस्टर भी यूज कर सकते हैं 30+ इयर्स के जितने भी लोग हैं। तो अब आप सब लोग बूस्टर्स अगर लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है। इसके साथ साथ NCOC ने दोबारा यह हिदायत जारी की है कि आपने एहतियात का दामन नहीं छोड़ना, एहतियात करनी है, वैक्सीन लगवाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि ओमिक्रॉन लहर भी इस वक्त पाकिस्तान में आ चुकी है। इसके साथ साथ आपको ये बताना भी जरूरी है कि गुलकारा नाजिया हसन के भाई जोहेब हसन ने भी मिर्जा इश्तियाक बेग के खिलाफ दावा दायर कर दिया है। और थोड़े से बैकग्राउंड में अगर जाएं माया, तो ये बताते चलें कि 13 अगस्त को जोहेब हसन ने बहन नाजिया हसन की 21वीं बरसी के मौके पर यह इंकशाफ किया था और ये बताया था कि नाजिया हसन ने इश्तियाक बेग के मजालिम से तंग आकर तलाक ली थी। बिल्कुल, मुझे आज भी वो दिन याद है जब उनका इंतकाल हुआ था। हम लंदन में शूट कर रहे थे और पूरे जितने भी लोग थे ना वो सब अफसरदा हो गए थे और अपने आप में। लेकिन ये खबर है ऑब्वियसली जो सब लोगों को पता होना चाहिए, नाजिया हसन के केस के, तलाक के केस के हवाले से। पनामा पेपर्स के केस में सियासतदानों के बाद अब बॉलीवुड स्टार्स की बारी आ गई है। ऐश्वर्या राय के हवाले से जो ये न्यूज आई है कि उनको भी पनामा में उनके बाहर जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं उसको वो साबित नहीं कर पाई हैं कि मैंने कहां से किया, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं अदालत नहीं आ सकती हूं, मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए, पेशी के लिए उन्होंने तारीख मांग ली है। तो अब हम देख रहे हैं कि सियासतदानों के पहले नाम आ रहे थे, अब जो बॉलीवुड स्टार्स हैं
उनके भी पनामा पेपर्स में नाम आ रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात में क्या हुआ, अपसेट शिकस्त हो गई और पीटीआई ने अपनी हार तस्लीम भी कर ली है और हमने देखा है कि वहां पर जो बर्तरी हासिल रही वो जेयूआई को आई और साथ साथ महंगाई का जो है वो इस वक्त हाई लाइट चल रही है कि भाई महंगाई की वजह से हुआ, तो क्या महंगाई वजह बनी शाहजेब? इस पर हमारे साथ आज बात करने के लिए कौन हमें किरण ज्वाइन किया है? हमें ज्वाइन किया है पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफ जई साहब ने। शौकत साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शौकत साहब सबसे पहले तो बताइएगा आप तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजह क्या है, क्या महंगाई वजह है या कुछ और वजूहात है? अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग। देखिए इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुए हैं आप सबको पता है, और ये इस सूबाई हुकूमत का क्रेडिट है कि इतने बड़े इलेक्शन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं आपको पता है, बिल्कुल विलेज काउंसिल लेवल जिसको नेबरहुड आप लोग कहते हैं, कुछ विलेज काउंसिल कहते हैं, तो उस लेवल पे जब इलेक्शन होते हैं ना तो इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े होते हैं कि उसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम इस पहले मरहले में हम कामयाब हुए और बिल्कुल हुकूमत ने साबित भी किया कि वो किसी किस्म की रेगिंग या इस तरह की चीज़ों में मिले जो सबका हुकूमतों में होता रहा है, इस दफ़ा इस तरह कोई चीज़ नहीं रही और पूरा दिन वज़ीर आला महमूद खान उसको मॉनिटरिंग करता रहा कि कहीं पर कोई ऐसा वाकया ना हो। जहाँ तक कम नशिस्तें लेने का ताल्लुक है, शिकस्त तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि अभी तो आधा इलेक्शन रहता है, अभी तो सिर्फ 17 अजला में हुआ है और वो अजला ज़्यादा हुए हैं जहाँ पे पहले से जेयूआई की पोजीशन पहले से बेहतर होती थी, जिस तरह साउदर्न एरियाज जो पहले से भी वो आते थे, इस तरह फाटा के एरियाज होते हैं, तो इसलिए आपको ज़रा नशिस्तें भी ज़्यादा लग रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अपनी गलतियों की वजह से भी हुआ है, जिसमें चूँकि हमारे साथ यूथ बहुत ज़्यादा है और मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग उम्मीदवार थे, तो हमारे तरफ से भी बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो गए और वो आज़ाद खड़े हो गए और वो भी इमरान खान का नाम ही इस्तेमाल करते रहे। जो भी खड़ा रहा वो कहते जी मैं नजराती हूँ और नाम इमरान खान का ही उसने इस्तेमाल किया, तो जितना वोट उसको पड़ा वो भी इमरान खान के नाम पर ही पड़ा है। तो ये नहीं कि वोट कम हुआ है पीटीआई का वोट अगर आप ये सारे जमा कर लें तो अभी भी पीटीआई का वोट ज्यादा है, मकबूलियत भी उसी तरह ही अल्लाह के फजल से, सिर्फ उसको मैनेज नहीं किया गया और ये बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आइंदा जैसे कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान के नाम पर वोट पड़ा है। शौकत यूसुफ जई यहाँ पर ये बात करना भी जरूरी है कि क्या जो उम्मीदवार खड़े किए गए थे वो ग्राउंड रियलिटी से दूर थे, जो लोकल वहां पर लोग थे क्या उनसे कोई दूरी थी, इस वजह से ये शिकस्त का सामना करना पड़ा, आप ये समझते नहीं? अगर आप देखें तो वोट तो काफी लिया है जिसको हमने खड़ा किया था। देखिये पहले जो वोट लिया है उससे कोई मेरे ख्याल से 1500-1600 या 2000 वोट का फर्क आ रहा है, और उसके साथ अगर आप देखें तो 4-5 और भी खड़े थे, उन्होंने भी वोट लिए हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह कि कौन से जेयूआई ने अकेला तो वोट नहीं लिया है ना, जेयूआई के साथ मुस्लिम लीग भी खड़ी थी, कौमी वतन पार्टी भी खड़ी थी, तो वो 2-3 पार्टियों से मिलकर वोट और हमारा वोट उसके बराबर बराबर गया है। लेकिन चूंकि हमारे आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हो गए थे हमारी पार्टी से कुछ लोग, उन्होंने वोट ज़्यादा लिया, तो मसला ये नहीं है कि पीटीआई की मकबूलियत में कमी आई, लेकिन हम मैनेज नहीं कर सके, ये बात ठीक है। अगर हम उनको बिठा देते, हम उनको वो कर देते तो शायद ये रिजल्ट ना होते, रिजल्ट इससे मुख्तलिफ होते। लेकिन इंशाल्लाह जो अगला मरहला आ रहा है इलेक्शन में हम इन चीज़ों को काफ़ी देखेंगे, और चूंकि मलक एंड डिवीजन और ये ऑलरेडी पहले से इमरान खान के यहाँ बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं और हशर हैं जी। चौक साहब मेरा एक सवाल आपसे अभी आ रहा है, आपने बात की अभी कि वोट तो बहुत पड़े तो यूथ का बहुत हमें सपोर्ट है, साथ साथ सिर्फ एक ये मसला नहीं है कि पीटीआई का ये तो एरिया था, पीटीआई स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता था इस एरिया में, यहाँ पर हारना क्या सिर्फ महंगाई को इल्जाम देना? देखने में तो बहुत कुछ आया चौक साहब हमारे सामने, झगड़े आए, खवातीन ने वोट नहीं किया, फायरिंग हुई और भी बहुत सारे मामला देखने में आए, लेकिन क्या महंगाई को इसका जिम्मेदार ठहराना ठीक होगा? नहीं, मैंने जो आपको असल हकाइक बताई ना, महंगाई तो एक फैक्टर हो सकता है ना, लेकिन महंगाई का इतना वो नहीं है कि आप कहें कि जी पूरा बाजी पलट दें, क्योंकि महंगाई के अलावा अगर आप देखें तो हमने इस सूबे के अंदर पॉलिसियां भी दी हैं, हमने हेल्थ कार्ड सिस्टम दिया है जो बहुत ही कामयाब गया है और 100% लोग जो जिनके पास शनाती कार्ड होते हैं वो अपना इलाज मुफ्त करा सकते हैं, दिल के अमराज से लेके लीवर ट्रांसप्लांट तक, तो लोग तो इस बात पे खुश हैं। इस तरह अभी एजुकेशन कार्ड अनाउंस हुआ है, इस तरह
जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो ठीक है। शकर साहब इसके साथ साथ जो महमूद जान साहब हैं सारी चीजें तो ये तो महंगाई को ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें शिबली फराज साहब की तो वो भी ये कह रहे हैं कुछ नाराज कारकुन थे, कुछ नाराज अरकान थे जिनकी वजह से हमें ये शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो बहुत सारी वजूहत सामने आ रही है, सिर्फ महंगाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपसे यही कह रहा हूं ना कि सिर्फ महंगाई की बात नहीं है, फैक्टर सिर्फ ये है कि हम शायद हम समझ नहीं पाए कि ये जो आजाद उम्मीदवार है ये ज्यादा वोट खराब कर लेंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा लेकिन साथ उन्होंने इमरान खान की तस्वीर भी लगाई, तो ये चीज जो है ये थोड़ा सा हमारे लिए तो नुकसानदेह हुआ। लेकिन ये कि उससे हम सीखेंगे, जहां गलती हुई है उसको हम सीख लेंगे इंशाल्लाह। और हमारी तो 2023 का इलेक्शन दूर है और उस वक्त तक इस चीजें मामला ठीक हो जाएगी, जो नाराज है उनको हम राजी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह। बड़ी बड़ी जबरदस्त बात की आपने, जो नाराज है उनको राजी, अल्लाह करे जो नाराज है उनको राजी कर लें। लेकिन जो नाराज है उनमें कहीं ना कहीं लोग इमरान खान साहब के नाम पर तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उनको लगता है अपनों में से कोई और लीडर होता, कोई और आम आदमी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होता, कोई और हमें जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता? क्योंकि इमरान खान साहब के नाम पर फिर मेरा ख्याल है शायद इसलिए रिजल्ट पर बहुत इफेक्ट पड़ा है, जिस तरह आपने कहा कि सिर्फ महंगाई नहीं है, क्या ये भी फैक्टर हो सकता है? देखिये हो सकता है कि उम्मीदवारों में भी फर्क हो, ये मैं बिल्कुल वो, लेकिन ये तो पार्टियां भी देखेगी ना, जहां हमने गलतियां की हैं, जहां हमारी कमजोरियां रही हैं, कहीं पे अगर उम्मीदवार गलत आया है या मैनेज सही नहीं हुआ है इलेक्शन, या जिस तरीके से कंपेन चलनी थी, जिस तरह खान साहब ने कहा कि कंपेन भी कमजोर हुई है, तो जहां जहां ये सारे फैक्टर्स देखेंगे और इससे सीखेंगे। यही पॉलिटिकल पार्टीज का खासा होता है, देखें जब इंसान इख्तदार में होता है तो उसका नशा भी ज्यादा होता है ना, तो अब ये हमें सबक मिल गया, क्योंकि हम तो पहली दफा मतलब ये कि हमने तो कोई अपोजिशन देखी नहीं थी इख्तदार के बाद, तो अभी चूंकि हमने बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि कहीं गलतियां हुई है हमसे और उस गलतियों का फायदा हुआ है। एक तो देखे ना जेवीवाई जहां भी जीती है ना तो वो तीन तीन पार्टियां मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है ना, ये भी था। अच्छा सर, वैसे बार बार गलतियों का जिक्र कर रहे हैं, अपना अकेला वोट तो नहीं है ना, आप देखेंगे आपको बता दीजिएगा क्या गलतियां हुई वाकई। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि गलतियां, एक तो ये ज्यादा उम्मीदवार खड़े हुए और हमें चाहिए था कि हम उनको बिठा देते। अच्छा, फिर दूसरा ये कि अगर सपोज उम्मीदवार ठीक नहीं था तो हमें चाहिए था कि फौरन उसको बदल देते। ये सारे फैक्टर्स हैं और कंपेन जो है वो मौसर होनी चाहिए थी, तो शायद हमसे कहीं गलती हुई होगी, मौसर कंपेन नहीं की होगी, तो ये सारे फैक्टर्स हैं और ये इंशाल्लाह ताला इसको हम दूर कर लेंगे। नेक्स्ट फेज में आप देखेंगे, वैसे भी नेक्स्ट फेज तो मलकन डिवीजन, ये तो पहले से ही खान साहब के साथ हमेशा से। यहाँ पर मेरा एक सवाल है शौकत साहब, अब JUIF जो है वहां पर उनको बरतरी हासिल है, उनके मेयर भी आ रहे हैं और जब उनके मेयर आ जाएंगे तो हमने अक्सर ये देखा है मामला, खासतौर पर अगर कराची की भी बात करें, जब मेयर आ जाता है तो इख्तियारात के रोने रोए जाते हैं, इसके साथ साथ फंड्स ना मिलने के रोने रोए जाते हैं। आप क्या समझते हैं, आप तावुन करेंगे जो मेयर्स आ जाएंगे उनको फंड जारी किए जाएंगे? देखिये ये जो सिस्टम है ना, ये वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक बनाया गया और उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि इसमें PTI आएगी तो तब ये लोगों को डिलीवर होगा। उन्होंने निचले लेवल पे लोगों को इख्तियारात देने की बात की है और उस पर कानून साजी की है, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का बेहतरीन निज़ाम हम लेकर आए हैं। निचले लेवल पे कि आप दरवाज़ा खोलेंगे तो बाहर आपके कोई ना कोई नुमाइंदा आपको मिलेगा, तो ये सिस्टम जो है ये यूरोप में तो हो सकता है, बाहर हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर आज तक ऐसा निज़ाम नहीं आया कि इतना खुद एहतसाबी कीजिए, आपका नुमाइंदा हर वक्त आपके साथ होगा, आपकी गली में मौजूद होगा, आप हर किस्म की वो कर सकते हैं, तो वो तो खान साहब उस पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वो तो चाहेंगे कि ये निज़ाम कामयाब हो और लोगों को उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये तो देखिए पॉलिटिकल पोलराइजेशन एक अलग चीज़ है, अगर वो अगर नहीं करना चाहें तो मेरे ख्याल से हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, हम तो चाहते हैं कि जो लोग मुंतखब हुए हैं उनको सपोर्ट दें, और अगर हम ना भी चाहें तो ये खान साहब कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो ज़रूर चाहेंगे कि ये निज़ाम कामयाब हो, लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। तो हम देखें जो लोग कामयाब हुए उन पर डिपेंड करता है कि वो खिदमत करने आए हैं या, लेकिन ये भी ज़रूर देखा जाए कि इस बल्दियाती इलेक्शन में जो पैसा इस्तेमाल हुआ है और जिनके वीडियोज़ वायरल हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन उस पर क्या एक्शन लेती है ये भी सोचने की बात है, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी हम कहते रहे फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाए
और उसमें पैसों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। तो अब देखें, हमने तो अपना साबित किया, हमारी हुकूमत थी, हमने कहीं पे रैगिंग नहीं की, लेकिन जिन्होंने जिन्होंने पैसे तकसीम किए, जिनकी वीडियो वायरल हुई है, जिन्होंने तस्लीम किया वीडियो में कि मेरे 20 करोड़ रुपए लगे हैं, क्या हुकूमत या जो इलेक्शन कमीशन है क्या उस पर एक्शन लेगी, ये असल इशू है। ठीक है सर, आपका कमेंट हमारे पास आ गया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें शाइन किया। शौकत यूसुफ जई साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे बलदियाती इंतखाबात के हवाले से। हाँ। महंगाई का भी जिक्र हो रहा था, क्योंकि महंगाई भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम्स और ही बहुत सारे, और उन्होंने एडमिट भी किया कि शायद बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, हमारी तरफ से बहुत सारे कोताहियां थी, उसमें ज्यादा उम्मीदवार जो थे उसके खड़े होने की वजह से भी एक वजूहत हो सकती है, वजूहत में से एक हो सकता है। मगर सारी वजूहत एक तरफ, मुझे एक बात बताओ शाहजीब, तुम्हारे घर में गैस आ रही है? मेरे घर में या किसी के घर में भी गैस नहीं आ रही। जी हाँ, गैस नहीं आ रही, चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, बाहर जाओ तो सिलेंडर की जो प्राइसेस हैं, मैं किसी और की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ। इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले मेरे कजन ने बड़ी मुश्किल से एक सिलेंडर अरेंज करके मुझे यहाँ पर ड्रॉप कर दिया दफ्तर में, और मैं बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। इसलिए तो कल मैं निकला हूँ अपने घर से, और ये जानने के लिए कि बाजारों में क्या सूरत हाल है, जो CNG सिलेंडर्स हैं उनकी रिफिल कितनी महंगी हो रही है, इसके साथ साथ सिलेंडर्स कितने महंगे मिल रहे हैं, ये सारे मामला जानने के लिए मैं निकला और बाजार का मैंने रुख किया। बाजार का रुख किया, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इस वक्त जो मार्केट का हाल, मैं क्योंकि एक आम इंसान हूं, मुझे मालूम है, जो एक 8 KG का जो नॉर्मल सिलेंडर होता है वो मिलता है 3.5 से 4.5 का, मैं क्योंकि इस वक्त जो है डिमांड बहुत ज्यादा है, 6.5 से 7 हजार तक उसकी कीमतें पहुंच चुकी हैं। और शाहजेब ने क्या देखा, आइए आपको भी दिखाते हैं और मैं भी देखती हूं। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं बाजार में, क्योंकि मेरे अपने घर में तो गैस आने रही है, और मैं भी यही परेशान हूं कि गैस कहां से मिलेगी, खाना कैसे पकेगा, नाश्ता कैसे बनेगा। जितने कराची शहर के लोग हैं, दीगर शहरों के लोग हैं, वो सब परेशान हैं, क्योंकि किसी के घर पर भी बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही। कम प्रेशर की बात तो दूर की बात है, गैस आ ही नहीं रही है। तो बात तो ये की जा रही थी कि सनअतें बंद की जा रही हैं, इसके साथ साथ जो CNG स्टेशन हैं उन्हें बंद किया जा रहा है, उनको बंद करने के बाद घरेलू साथियों को गैस मिल सकेगी, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि उसके बाद भी किसी को गैस नहीं मिल रही। चल के हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, कि मेरे साथ साथ और ही बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, जिनको गैस नहीं मिल रही, यही जानने के लिए हम एक बाजार में पहुँचे हैं। यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं बहुत सारे सिलेंडर मौजूद हैं, रखे हुए हैं, मुसलसल सामान भी आ रहा है, लोग खरीद भी रहे हैं। आप यहीं पर बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? खैरियत है। अच्छा, हम देख रहे हैं मुसलसल यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं आपके पास, और आने के बाद वो यहाँ पे सिलेंडर खरीद रहे हैं, बड़ी तादाद में आपका सिलेंडर रखा है। जी जी। सबसे पहले तो बताइएगा इस वक्त रेट क्या चल रहा है सिलेंडर का? रेट काफी बढ़ गए हैं, पहले से कम से कम 500 रुपए 600 रुपए एक सिलेंडर में बढ़ गए, लेकिन पीछे से माल नहीं मिल रहा है, माल की बहुत शॉर्टेज है, मार्केटों में माल खत्म हो गया, लोगों ने स्टॉक सारा उठा लिया। आप क्या समझते हैं, या मांग में भी इजाफा हो गया, ज़्यादा सर्द मौसम आता है, बढ़ जाती है तलब, और आजकल तो घरों में गैस है ही नहीं, तो हर बंदा गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा है? असल में मांग में इजाफा हो गया, पीछे से माल शॉर्ट हो गया, मांग में इजाफा हुआ, इस वजह से रेट पीछे से बढ़ गए, रेट बढ़ गए तो यहाँ लाजमी बात है हमें भी महंगा आ रहा है, हम भी थोड़ा रेट बढ़ा के बेचेंगे। वैसे क्या रेट चल रहा है सिलेंडर का? छोटा सिलेंडर पहले 2000 रुपये, कम से कम 2500 से 2600 रुपये का हो गया है। कितने केजी वाला? 4 KG का। पिछले साल कीमत क्या थी इस छोटे सिलेंडर की, 4 KG वाले को, इस साल क्या है? छोटे पिछले साल कम से कम 1800-1700, इस साल कम से कम 2500 से 2600 रुपये का सिलेंडर है। यानी कि पिछले साल जो 1700-1800 का सिलेंडर मिल रहा था 4 KG का, वो इस दफ़ा 2500 का और 2600 का मिल रहा है। घरों पर क्योंकि गैस नहीं है, इसलिए लोग ये मजबूर हैं कि वो बाहर होटल्स पर जाते हैं नाश्ता करने के लिए, खाना खाने के लिए, और घर वाले भी उनके परेशान होते हैं। बात करते हैं भाईजान, आप भी इधर बैठे हैं, खाना खाने बैठे हैं, चाय पीने बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? चाय पीने बैठे हैं। घर में गैस की क्या सूरत हाल है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली माचिस का तीला लगा हुआ, आती नहीं, लकड़ियों पर पका रहे हैं। ये तो हम वही पुराने ज़माने में चले गए, फिर लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी जी। कब से नहीं है गैस? ये तकरीबन 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से गैस है ही नहीं। गैस तो है आपके घर पे जो लोग हैं, क्या वो लकड़ियों से लकड़ियों में किससे करें, घर घर के थक गए, कोई सुनने वाला तो है नहीं। तो बाहर से खाना खरीद के लेके जाते हैं फिर, या लकड़ियों में बनाते हैं? नहीं, लकड़ियों में बनाते हैं, बाहर से नहीं खरीदते। पैसे नहीं है, कहाँ से खरीदते? चाचा आप बताएं, आपके घर पे क्या सूरत हाल है, क्योंकि गैस का कोई नामो निशान है? गैस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गैस ना होने के बराबर है, आती है तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, कभी तो होती नहीं है।
जिनसे भी हम बात कर रहे हैं उनका तो यही बताना है गुजारा नहीं होता यहाँ पर। एक होटल जो चला रहे हैं इनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताएं, आप होटल चला रहे हैं, गैस हम देख रहे हैं कि नापैद हो चुकी है, कहीं पे मिल ही नहीं रही है, जहाँ मिल रही है उसके रेट में 30-40% इजाफा हुआ है। आप एक होटल चलाते हैं, आपके खर्चे में कितना इजाफा होता है जब गैस की कीमतें बढ़ जाती हैं, सिलेंडर की कीमतें बढ़ जाती हैं? वैसे तो सर हम गैस न होने की वजह से तो सिलेंडर यूज़ करते हैं, गैस का तो सब मली वाले को पता है कि गैस आ नहीं रहा, सब नाश्ता वगैरह वो होटल से लेकर जाते हैं। तो आप सिलेंडर खरीदने आए? जी, मैं सिलेंडर लेने आया हूँ। क्या वजह है आपको सिलेंडर मिल नहीं रहा है, महंगा मिल रहा है, आपको लगता है कुछ कीमतों में इजाफा हुआ है जब से घरों में गैस नहीं आ रही? सबसे बड़ा मसला ही ये है, कराची में पहले कभी ऐसा होता नहीं था, बहुत कम शॉर्टफॉल होता था गैस का। अब ऐसा हो गया है कि दिन में गैस नहीं होगी या सुबह नाश्ते का टाइम गैस नहीं होगी, जिस वक्त पकाने का टाइम हो घर में उस वक्त गैस आपको अवेलेबल नहीं है। उसके अल्टरनेट हमें ज़्यादा नाश्ता तो करना है, खाना तो खाना है, सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, तो उसके लिए हमें एक अल्टरनेट रखना पड़ता है। अब उसके लिए घूम रहे हैं तो इनके रेट ऐसे हाई हैं, 240-230 रुपये किलो गैस, और सिलेंडर तो इनके अपने मनमानी है। जो सिलेंडर इस वक्त देखा ले 6 महीने गर्मियों में ये सिलेंडर में देखा ले 3200 का मिलता था, अब ये 4500 रुपये बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फिलिंग स्टेशन भी हैं, छोटी छोटी दुकानें भी हैं गैस भरवाने के लिए, CNG सिलेंडर्स भी बिक रहे हैं यहाँ पर, सिलेंडर्स तो बेचे जा रहे हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर ये फिलिंग स्टेशन है आपका जी। मुझे ये बताएं कि सर्दी बढ़ती जा रही है, गैस जाती जा रही है, घरों पर गैस है नहीं, लोग या तो सिलेंडर खरीद रहे हैं या लकड़ियाँ जला रहे हैं या कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि गैस जो भरवाने लोग आ रहे हैं उसमें कितना इजाफा हुआ है इस एक माह के अंदर? बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, सुबह से लेकर शाम तक काम में ही मसरूफ हैं हम लोग, घरों में गैस नहीं है, लोग क्या करेंगे भाई, यही करेंगे, सुई गैस पर उन्होंने कहीं एका कर लिए LPG वालों से, इस चक्कर में कहीं यही निज़ाम लग रहा है, और महंगी भी दिन ब दिन बहुत हो गई है। अच्छा, अभी हमने देखा है कि तकरीबन 30-40 रुपये बढ़े हैं कुछ चंद दिनों में जी, अभी 230 रुपये किलो चल रही है, पहले कितने थी? तकरीबन 200-210 बोलते हैं, लेकिन कम होगी, लेकिन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है फिलहाल। ये घरेलू सार्फिन की अगर बात करें तो उनको तो गैस मिल ही नहीं रही है, कम प्रेशर तो दूर की बात है, उनको गैस दस्तयाब ही नहीं है घरों पर, और वो मजबूर हो रहे हैं अपने सिलेंडर भरवाने पर, सिलेंडर ख़रीदने पर। लेकिन अगर आपको गैस सिलेंडर की भी महंगी मिल रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बाकी रह जाती है, और वो ऑप्शन है कि आप लोग यहाँ पर आकर लकड़ियाँ और ये कोयले ख़रीद लें। इसी वजह से यहाँ पर कोयले की मांग में भी इजाफा हो गया है, लोग आ रहे हैं और कोयला यहाँ पर ख़रीदें ताकि घरों पर उनके खाना पक सके, उनका नाश्ता बन सके और उनका गुजारा हो सके। तो ये हमने देखा कि कोयले की मांग में इजाफा हो गया है, लोग लकड़ियाँ ख़रीद रहे हैं इस वजह से क्योंकि घर पर गैस नहीं आ रही। छोटा सा वक्फा लेते हैं, रहेगा हमारे साथ, मैं ज़्यादा से खामोश हूँ, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। अवामी मसाइल का हम जिक्र कर रहे हैं, कभी महंगाई तो कभी दीगर मसाइल, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम में माया बहुत अफसरदा बैठी है। माया, क्या वजह है? एक तो वक्फे पे जाने से पहले SS की जितनी भी गैस की खबरें, सिलेंडर की कीमतें, डिमांड इतनी है, सप्लाई नहीं हो रही, चूल्हे लोगों के बंद हुए हैं, और अब मैं जिस तरफ हम आगे जा रहे हैं तो वो गालिब का शेर याद आ गया कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे, तो वाकई में किधर जाएंगे, क्योंकि मरने के बाद भी चैन नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं, मरने के बाद भी चैन नहीं है, क्योंकि जब हमारे प्यारे बिछड़ जाते हैं तो उन प्यारों के लिए कब्र का हुसूल जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में यही सूरत हाल है, या तो वो जगह महंगी होती जा रही है या मिल ही नहीं रही है, और यही सूरत हाल जानने के लिए जो हमारे नुमाइंदे हैं फहीम अमीन, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं। महंगाई के बाय जिंदगी गुजारना मुश्किल हुआ तो मरना भी महंगा पड़ने लगा। बढ़ती हुई आबादी और अराजी के बढ़ते दामों के बायस लाहौर में कब्रों की किल्लत का मसला बढ़ गया। गुलबर्ग में कब्रिस्तान इंतजामिया की जानिब से एक कब्र के लिए 12-15 हजार रुपए वसूल किए जाने लगे। म्यानी साहब कब्रिस्तान में तदफीन के लिए शहरियों को सरकारी फीस 1000 रुपए के अलावा 9500 रुपए भी देना होंगे। गोरकन कहते हैं कि 2 साल में ईंटों का रेट 10,000 से 14,000, जबकि सीमेंट की बोरी 500 से 700 रुपए और रेत की कीमत भी पहुँच से बाहर हो चुकी है। पहले तो जो है ना कस्टमर आते थे वो कहते थे काम करवा दो, अब जो है ना महंगाई की वजह से कोई आता ही नहीं है जल्दी। 2 साल पहले ये है कि 10-11 में मिलती थी, अभी 14,500 को मिलती है।
ते रेते दी रेड़ी पहले 500 दी सी हुण 650 दी है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना पहले ही दोबर कर दिया है, अब मरना भी जेब पर बोझ बन रहा है। महंगाई की इतनी सूरत हाल ज़्यादा हो चुकी हुई है, लोगों का जीना आराम हो चुका है। एज इट इज़ अगर देखा जाए तो लोग जीने की बजाय मरना भी बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है। मेरी वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी करके गरीब आदमी के लिए ये जो कफन दफन का जो कब्रों का ऐसा सिलसिला है इसके ऊपर कोई रहम की अपील है हम गरीब लोगों की। कफन दफन एक तो बहुत ज़्यादा महंगे, उसके बाद अगर आप कब्रिस्तान की बात करेंगे वहाँ पे कब्र इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है, लाइक 15,000-20,000 रुपये आपको एक जगह का और पे करना पड़ता है, उसके बाद जो उसके कफन वगैरह होते हैं। मुफ्ती आशिक हुसैन कहते हैं कि कब्र का हसूल मुश्किल तर होना लम्हा फिक्रिया है, गरीब लोगों की कब्रों के लिए हमें मुखय्यर हजरात से राब्ता करना पड़ता है। मुझे कई ऐसे गरीब लोगों का सामना भी करना पड़ा है जिनको गुलबर्ग के अंदर 3 कब्रिस्तान है, इन तीनों कब्रिस्तानों में उन्हें कहीं जगह नहीं मिली। लाहौर में शहर खामोशा के नाम से कब्रिस्तानों का सिलसिला शुरू किया गया था जो कि शहर से दूर होने के बायस कामयाब ना हो सका। कब्र के हसूल के लिए भी अब लाहौर शहर में तगड़ी सिफारिश की जरूरत पड़ती है, अगर कब्र मिल भी जाए तो उसकी तैयारी के नाम पर मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में 10,000-15,000 रुपया कब्र की तैयारी के नाम पर वसूल किया जा रहा है जो गुरबत और महंगाई के मारे आवाम के लिए भरना मुश्किल है। कैमरामैन ताहिर खोखर के साथ फहीम अमीन, 92 न्यूज लाहौर। अब ये देखें शाहजेब कि अभी ये खबर आई लाहौर के हवाले से कि सिफारिश लगानी पड़ती है, मतलब इंसान को अपनी आखिरी जो सफ़र है उसमें भी उसको सुकून नहीं है। ये हालात सिर्फ लाहौर के नहीं, इस्लामाबाद के भी यही हालात हैं आपको पता है। और ये जानते हैं हमारे नुमाइंदा इस्लामाबाद बिलाल आफरीदी की रिपोर्ट में कि इस्लामाबाद के कब्रिस्तान के हालात का क्या मंजर है। शहर इक्तदार में महंगाई ने कब्रिस्तानों का भी रुख कर लिया। जिंदगी की दौड़ धूप में महंगाई ने जहां गरीब शहरी की कमर तोड़ रखी है तो वहां मौत की सूरत में इज्जत का जनाजा भी निकाल दिया। गरीब शहरियों के लिए अपने प्यारों की तदफीन भी मुश्किल हो गई। शहरियों का कहना है कि जीना तो मुश्किल था, अब मर कर भी परेशानियाँ होती हैं। पहले तो इलाके छोटे थे, कब्रिस्तान काफी थे, लेकिन अब जो आबादी का हुई हुई है उसकी वजह से कब्रिस्तान में तदफीन का अमल बहुत मुश्किल हो चुका है। रेड ईंटें जो है ज्यादा इस्तेमाल होती है वो हम बाहर से ही परचेज करते, लेकिन रेट तो बढ़ गया, लेकिन जिसके घर फोतगी होगी उन्होंने दफनाना तो है ही है, वो तो हमें परचेज करनी पड़ेगी। असल में जिसकी फोतगी होती है उसके लिए तो परेशानी होती है, ठीक है, लेकिन हम वाले मल्ला हैं, लोग बहुत तावन करते हैं, ठीक है, ये अभी 18,000-20,000 का खर्चा होता है। बहुत अखराजात हैं, तकरीबन 20,000-25,000 रुपये लग जाते हैं, तो ये काम तो सबसे पहले है, तो इसके लिए जो है ना कुछ हुकूमत को चाहिए कि वो सोचे हमारे लिए। सीडीए की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत में कब्रों की खुदाई के लिए वसूल की जाने वाली रकम में इजाफे के बायस एक बालिग फर्द की कब्र की खुदाई की कीमत में 3 गुना जबकि बच्चों की कब्र में 5 गुना इजाफा हो गया। कब्र की खुदाई, ईंट, सीमेंट और मजदूरी के साथ अखराजात हजारों तक पहुँच गए। सूरत हाल में गोरकन भी परेशान है। बजरी, रेत, सीमेंट अभी तकरीबन 730-735 की बोरी है। ईंट अभी 15-16 रुपए की एक ईंट पड़ती है, ठीक है, जो कब्र के तख्ते हैं ना वो 700 रुपए का तख्ता पड़ता है, ठीक है, उसमें तकरीबन 20,000-18,000 इतना खर्चा आ जाता है, और अगर मजदूर लगाओ या कुछ करो 5-6,000 उनको देना पड़ता है। मैयत को बस के जरिए कब्रिस्तान तक पहुंचाने के लिए रेट भी बढ़ गए। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब का मरना भी दुश्वार कर दिया। रावलपिंडी के कब्रिस्तानों में भी यही सूरत हाल है। शादी टालियां, जदीद कब्रिस्तान, तदफीनो तकफीन पर हजारों रुपए खराजात आते हैं जो गरीब शहरियों के बस की बात नहीं। साथी रिपोर्टर साजिद शेख के साथ बिलाल आफरीदी, 92 न्यूज इस्लामाबाद। बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये वाकई हजारों रुपए के अखराजात आते हैं, बल्कि कुछ कुछ जगहों पर तो इतनी महंगाई है इसी हवाले से कि वहां पर लाखों रुपए भी तलब किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि लाहौर, इस्लामाबाद की सूरत हाल तो आपने देख ली, कराची के भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वहां पर भी हम देख रहे हैं कि कब्रिस्तान तकरीबन भर चुके हैं जो कि पुराने कब्रिस्तान है। इसके साथ साथ जहां जगह है वहां माफिया का राज है। तो हमारे जो नुमाइंदे हैं शिराज अहमद, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। महंगाई, महंगाई और महंगाई, जीना ही नहीं मरना भी दुश्वार हो गया। महंगाई की सताई अवाम के लिए जिंदगी सुकून से गुजारना तो दूर की बात है, अब तो मरने के बाद कब्र का हसूल भी एक इम्तहान बन गया है। 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर में सिर्फ 200 से ज्यादा कब्रिस्तान हैं, जिनमें बेशतर फुल हो चुके हैं। इसके बावजूद कब्रिस्तान में मैयतों की तदफीन का सिलसिला जारी है, क्योंकि कब्रिस्तान में जिला इंतजामिया की नहीं बल्कि माफियाज की रेड कायम है। माफिया
को माल दो तो वो भरे हुए कब्रिस्तान में भी तदफीन का बंदोबस्त करवा देते हैं। कब्र की कीमत की बात की जाए तो इस वक्त तारिक रोड के कब्रिस्तान में कब्र की कीमत 30 से 40 हजार रुपए ली जा रही है, जबकि शहर के दीगर कब्रिस्तानों में सूरत हाल इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मलिर के दिलबोध कब्रिस्तान में और यहाँ की सूरत हाल हमें इंतहाई खराब दिखाई दे रही है। एक कब्र की कीमत इस वक्त इस कब्रिस्तान में 25 से 30 हजार रुपए जो है उसकी कीमत मुख्तस कर दी गई है, और ऐसे में शहरियों के लिए, खास करके वो जो गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए अपने प्यारों की तदफीन भी एक कड़ा इम्तिहान बना देती है। महंगी कब्रों के बावजूद कब्रिस्तान की सूरत हाल अबतर हो चुकी है, मगर इस हवाले से इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आपके सामने ये जगह तो यहाँ पे है नहीं बिल्कुल भी। इन लोगों को बोला जाता है जैसे आपकी बॉडी है, आप सुबह बोलेंगे तो ये असर तक करके दे देते हैं आपको, मगर इन्हीं कब्रों के अंदर से किसी को जगह बना के देते हैं। इसके अलावा तो कोई जगह है नहीं यहाँ पे, न सफाई के इंतजाम आते हैं आपके सामने। सिंध हुकूमत और जिले इंतजामिया ने कई बार कब्रिस्तानों के लिए नई जमीन मुख्तस करने के ऐलानात तो किए, लेकिन इन पर अमल दरामद ना हो सका। कैमरामैन अम्मार खान के साथ शिराज अहमद, 92 न्यूज कराची। तो इसी अहम मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुररहमान साहब ने। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज साहब, जैसे कि हम हालात देख रहे हैं, चाहे लाहौर की बात हो, इस्लामाबाद की हो या कराची की हो, कहीं पर भी हालात मुख्तलिफ नहीं है, और ये एक बुनियादी जरूरत है तमाम लोगों की, तमाम शहरियों की। ये उनका हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। अगर जीना तो खैर हमारे गरीबों के लिए मुश्किल है ही, अब तो मरना भी बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे मुल्क की ही, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, और अफसोस की बात यह है कि जो हुक्मरान तबका है और उसको ये एहसास भी नहीं होता जब आप उससे कहें कि खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं, मरना मुश्किल हो गया है, तो वो कहते हैं कि जनाब देखें बाइकें कितनी लोग खरीद रहे हैं और कितनी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और रेस्टोरेंट्स के ऊपर कितना रश है। अरे अल्लाह के बंदो, इन सब गाड़ियां खरीदने वाले और रेस्टोरेंट पे रश रखने वाले लोगों का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, ये 2% से ज़्यादा नहीं बनते। आबादी पाकिस्तान की 23-24 करोड़ है। अब आप मुझे बताइए कि इस वक्त जो रिपोर्ट्स आपके सामने आई हैं, बदतरीन सूरत हाल होती है कराची में 20,000 से 30,000 नॉर्मल कब्रिस्तान के अंदर पैसे देने पड़ते हैं, जबकि इसका ऑफिशियल रेट 9,300 रुपये तय है। लेकिन 25,000 तो जो ऐसे कब्रिस्तान हैं जैसे मोहम्मद शाह कब्रिस्तान नॉर्थ कराची में है या मलीर में, जो आप सोसाइटी में जाएं तो 50,000 से 1,00,000 रुपए मिलेंगे, डिफेंस में इससे ज़्यादा मिलेंगे, यानी और जगह पापोश में आप, अब क्या है कब्रिस्तान की जगह तो हो गई ख़त्म। अब वो गोरकंस के साथ और माफियाज के साथ जो खुद हुकूमत में मौजूद लोग होते हैं, जो इदारों के अंदर बैठे हुए होते हैं, इन डिपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं, उनके साथ पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है और मरने वाले का इस्तेहसाल किया जाता है। अब आप बताएं, हुकूमत का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। ये शहर मसलन कराची शहर है, बड़ा शहर है, कब्रिस्तान तक ले जाने के लिए मैयत गाड़ी की ज़रूरत है। अगर अलखिदमत की मैयत गाड़ी ना हो या जो इदारे बहुत सारे बने हुए हैं जिन्होंने अपना अपना निज़ाम बनाया हुआ है, तो हुकूमत का कोई निज़ाम नहीं है। कोई हुकूमत की एम्बुलेंस नहीं है इस शहर कराची में। जो अमन थी उसी को सिंध रेस्क्यू कर दिया, वो भी ज़्यादातर अंदरूनी सिंध में चले गए। कोई निज़ाम मौजूद नहीं है कि कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हुकूमत की तरफ से कोई सिस्टम मौजूद हो। अस्पतालों की सूरत हाल ये है कि आप जानते हैं कि अभी पिछले दिनों हमारे कुछ अजीजों का, मेरे दोस्तों का, नौजवानों का रोड एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल के ऊपर आते हुए यहाँ से गुलशन हदीद से। पूरे आप ठट्टा से लेकर गुलशन हदीद अगर किसी का एक्सीडेंट हो तो आपको जिना की कैजुअल्टी में ले जाना पड़ेगा या यहाँ पर अब्बासी में आना पड़ेगा या सिविल में, जो 30-40 किलोमीटर में कोई ऐसी ट्रामा सेंटर नहीं है। ना एक्सीडेंट हो तो हुकूमत का कोई निज़ाम है, मर जाए तो कब्र का निज़ाम नहीं है, मैयत गाड़ियों का निज़ाम नहीं है, एम्बुलेंस का निज़ाम नहीं है, और कब्रों के अंदर माफिया। अब देखें ना, कब्र की कीमत हो गई है 25-30 हज़ार, फिर उसके बाद गोरकन के पैसे, तामीर के पैसे, ये सारे पड़ते हैं। हम बताएं कि क्या करें, कहाँ जाएं लोग? ये निज़ाम है, और टैक्स हम देते हैं, पेट्रोल पे टैक्स हम देते हैं। जी, आप सही कह रहे हैं, आपकी बात जरूर कंप्लीट कीजिए, लेकिन आपने ही कहा ना अभी कि लोगों ने अपना जो है ना वो माफिया बना लिया है, तो पहले बिल्डर माफिया, पानी माफिया, अब कब्र, मतलब लोगों को इस तरह की चीज, अब आप कह रहे हैं कि वाकई में एक पैसा तो देना नहीं है, कब्र का अलग देना है, गोरकर को अलग देना है, हजार चीजें ऊपर से, फिर 2-4 और भी आ जाते हैं अखराजात लेकर। एक आम आदमी के लिए क्या मरना भी अब आसान नहीं रहा हाफिज़ साहब? नहीं, बिल्कुल ठीक है, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। आपने ठीक कहा था,
आप ये मुझे बताइए ना, ये माफियाज खुद से नहीं पैदा हो जाते, इन माफियाज के साथ बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, और ये जो इतने मासूम बनकर आपको, अभी किसी वजीर को आप ऑनलाइन ले लें, वो ऐसी मासूमियत से बताएगा भाई आबादी बढ़ गई है, हम क्या करें, ये हो गया है, वो हो गया है, और भाई आबादी बढ़ गई है तो उसका इंतजाम करो ना, इंतजाम नहीं कर सकते तो छोड़ दो ना, जरूरी है हमारे ऊपर मुसल्लत रखो, क्यों नहीं हो सकता दुनिया में, क्या जमीन खत्म हो गई है, हमारे पास जमीन भी है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। भाई इन माफिया से छुटकारा मुमकिन है, आवाम को बेदार होना पड़ेगा सही लीडरशिप में। देखें मसला तो पॉलिटिकल है, मसला जो है ना सिर्फ इंतजामी नहीं है। अब आप ये कह देखें ना कि कितनी चीजों में एनजीओस काम करती हैं, कफन एनजीओस फराम कर देती हैं, ठीक है, खाना पीना इस वक्त एनजीओस चला रही हैं, ओ भाई एनजीओस कितने लोगों को खाना खिला सकती हैं, रियासत के पास पैसे होते हैं, हमारे टैक्सों के पैसों से हुकूमत का निजाम चलता है, हम पैसे देते हैं तो हुकूमत के अलल्ले तलल्ले होते हैं, ये पैसे जाते किधर हैं, न जिंदगी के। अब आप देखें मुझे, मैं आपको बताऊं ना, आप कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, या नॉर्थ कराची में चिल्ड्रन अस्पताल है जिसमें हजारों की तादाद में बच्चे इलाज होता था उनका, एनजीओ के सुपुर्द कर दिया, एनजीओ के साथ हुकूमत के मामलात नहीं चल रहे, एक दफा एहतजाज करके इसको खुलवाया जमात इस्लामी ने, फिर बंद हो गया है, अब हजारों बच्चे रोजाना यहां पर उनकी ओपीडी होती थी, और इस वक्त जो है वो पूरे इलाके के अंदर कोई अस्पताल नहीं है जहां गरीब आदमी अपने बच्चे को दिखा सके, ये और फिर ये बातें इनकी सुनो, इख्तियारात सारे अपने पास ले लेंगे, अभी आप सिंध हुकूमत को देखें, बिल लाए हैं सारे अस्पतालों पे कब्जा कर लेंगे, अब भाई जो अस्पताल तुम्हारे पास है उनको चला के तो दिखाओ, जो कब्रिस्तान तुम्हारे पास है उसका इंतजाम तो करो, नए कब्रिस्तान तुम बना नहीं रहो, इस शहर को इस वक्त कम से कम 50-60 नए कब्रिस्तानों की जरूरत है जिसको प्रॉपर तरीके से अरेंज किया जाए, ये भी लोग प्राइवेटली कर रहे हैं, आप जाएं वहां पर हब रिवर रोड पर, वहां पर मुख्तलिफ जो जो लोग हैं ना, जो अंजुमने हैं, जो बिरादरियां हैं, उन्होंने अपने कब्रिस्तान बनाए, वो सही चल रहे हैं, तो भाई आप क्यों नहीं चला सकते हो, इसलिए कि करप्शन करनी है, लूटमार करनी है, इख्तियारात पे कब्जा करना है और हक नहीं देना है किसी को दुनिया में, इसलिए तो हम तहरीक चला रहे हैं, और सिमेट्री और ग्रेवयार्ड होते हैं पूरी दुनिया में, आप सही फरमा रहे हैं कि पूरी दुनिया में इतने ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ग्रेवयार्ड और सेमेट्री कि आपकी हमारी सोच, हम तो सोच भी नहीं सकते। तो आप लोगों ने एहतजाज जो किया था उसका रिजल्ट कुछ निकला नहीं क्या, मतलब उसका क्या रिजल्ट आया आप सब? मैं देखें, एक तो आपकी बात यह है ना कि दुनिया पाकिस्तान में भी ये सब हो सकता है, आप चले जाएं जो दिल्ली बिरादरी के मेमन बिरादरी के कब्रिस्तान हबरीवर रोड के ऊपर बने हुए, आप देखेंगे वहां पर बिल्कुल वही इंतजाम है जो आप किसी बैरूने मुल्क में जाकर देखते हैं, इसका मतलब है ये हो सकता है, जो ये नहीं हो रहा है, हम जो तहरीक चला रहे हैं ना, हम इसीलिए तो तहरीक चला रहे हैं, ये आवाम का हक है, हम शहर के हक, हमने गवादर के हक की तहरीक चलाई, अल्लाह का शुक्र है वहां पर रिजल्ट मिला है, हम कराची के हक की तहरीक चला रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमने लोगों को, मसला क्या होता है, बेवकूफ बनाया जाता है, लोग कभी तब्दीली के नारे पर बेवकूफ बनते हैं, कभी महाजर के नारे पर, कभी सिंधी के नारे पर, ये हमें लड़वाते रहते हैं और ये सब इकट्ठे होकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जमात इस्लामी का ये बिल्कुल बिल्कुल सीधा, हम तकसीम नहीं करेंगे लोगों को, हम सबको इकट्ठा करेंगे, जो नाइंसाफी है उसके खिलाफ उठा रहे हैं, आप देखें आपने मार्च देखा हमारा परसों जो हुआ है, कितने बड़े पैमाने पर शहर के लोग जो है मजीना रोड पर जमा हुए थे, खवातीन भी थे, बच्चे भी, इस बात का इजहार है कि लोग नाराज हैं, उन्हें एक लीडरशिप चाहिए और अल्लाह का शुक्र है लीडरशिप अब लोगों को मिल रही है, जमात देखें, जब जमात इस्लामी के पास बल्दिया का निजाम आया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन कब्रिस्तानों के निजाम को ऑर्गेनाइज किया था, ये शिकायतें खत्म हो गई थी, अब मैं आपको यकीन से बता रहा हूं, अब 2001 से 2005 तक का निजाम देख लें कराची में, केएमसी के जो कब्रिस्तान थे वहां पर ये मारामूरी खत्म हो गई थी, ये करप्शन खत्म हो गई थी, सिस्टम बना कर दिया था, लेकिन जैसे ही नेमत साहब की गवर्नमेंट गई फिर माफियाज जो इस चेयर पे मुसल्लत थे उन्होंने केएमसी को भी इस्तेमाल किया, जो सिंध हुकूमत के तहत चीजें उनको भी इस्तेमाल किया, तो इसलिए लीडरशिप चाहिए और लोगों को लीडरशिप के साथ खड़ा होना पड़ेगा, धोखा नहीं खाएं, घर पे नहीं बैठे रहें, इस तहरीक का हिस्सा बने जो हम चला रहे हैं, जो हम तो कराची को तहरीक है, पूरे मुल्क में इस तरह जमात इस्लामी चीजों को लेकर चलेगी इंशाल्लाह और चल रही है, मुझे यकीन है कि कराची के अंदर हम अपने इख्तियारात को भी वापस लेंगे और इन वडेरों और जागीरदारों ने जो जाली अक्सरियत है, जिसको मुराद अली शाह कहते हैं ना कि हम अक्सरियत में, ओ भाई वो आप किस अक्सरियत में है, किसी गांव में किसी हारी को इसका भी इख्तियार नहीं है कि अपनी मर्जी से अपने बच्चे की और बच्ची की शादी कर सके वडेरे की मर्जी के बगैर, आप कौन सी अक्सरियत, ये दबा कर रखा हुआ है हारियों को, नाजिम जाकियों जोकियों का फहमीदा सयाल का केस देख लिया आपने सही।
शुक्र जाजिब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे अज़म के लिए आवाज़ उठाई है, परवरदिगार आप लोगों के लिए और आसानियाँ पैदा करें। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहेगा और खान साहब उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और अब हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम की अहलिया जिन्होंने बहुत अरसे बाद जो है रीयूनाइट हुए, जाहिर वो और उनकी बेटी वसीम अकरम के साथ, और उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स और तस्वीरें भी शेयर कर रही हैं, वो इंशाल्लाह आपको जरूर शेयर करेंगे। लेकिन अभी जो खास एक तस्वीर है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, वो कराची के ग़ुरूब आफ्ताब की है। उन्होंने कहा कि ये ग़ुरूब आफ्ताब कराची का बहुत ही दिलकश लग रहा है। उन्होंने पिक्चर अपनी बेटी के साथ शेयर की और लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि शनैरा अकरम मुख्तलिफ पिक्चर शेयर करती रहती हैं, कराची बीच हो या कोई और मकाम हो, वो दिखाती रहती हैं कि कराची कितना खूबसूरत है। वो उनको बड़ा पाकिस्तान से उनको बहुत मोहब्बत है, शाज़िब इसमें कोई शक नहीं है। उनकी पोस्ट और उनकी और भी चीजें दिखाई हैं, बहुत अरसे बाद रीयूनाइट हुई। आगे बढ़ते हैं और आप कुछ खेलों के मैदान का रुख करते हैं और हॉकी की बात करते हैं। हमारी नेशनल गेम हॉकी और हमारी टीम जो है नेशनल हॉकी टीम, अब वो हमें कुछ जो है ना, हम उन पे फख्र कर सकते हैं अब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो कामयाबियां समेट रहे हैं इस तरीके से कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंच चुका है और आज हमारा मुकाबला हो रहा है कोरिया से। क्या बात है। और आज जो हमारे साथ शामिल हैं और जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ओलंपियन मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। क्या उम्मीद है कौमी टीम आज का सेमीफाइनल जीत सकेगी? मुझे उम्मीद है काफी, क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि लकीली पाकिस्तान ने अच्छा एवरेज बनाया और उसका भारत के साथ नहीं हुआ सेमीफाइनल, और कोरिया के साथ हुआ। कोरिया के साथ हम पहले भी मैच ड्रॉ कर चुके, तो कोरिया की जो रैंकिंग है 16वें नंबर की है, हमारी 17वें 18वें नंबर की है, तो मुकाबला सख्त होगा। मुझे एक उम्मीद है कि पाकिस्तान को एक लाइफ लाइन मिली तो उसका पूरा एडवांटेज उठाएंगे और काफी सालों के बाद वो आज का मैच जीतेंगे। समीला साहब आप बताइएगा कि गेम प्लान क्या होना चाहिए आज जो खासतौर पर कोरिया से मैच खेलने जा रहे हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि रैंकिंग में कोई खास फर्क नहीं है, मुकाबला सख्त होने वाला है, तो गेम प्लान क्या होना चाहिए हमारी टीम का? कोरिया की टीम बड़ी जिसको कहते हैं टाइट डिफेंस खेलती है, वो मैन टू मैन खेलती है, शुरू से ही वो हुए जैपनीज हुए, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए। जो पिछला मैच हमारा ड्रॉ हुआ था उसमें हमने एक पेनल्टी कॉर्नर लिया, उनको तीन मिले, तो कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा पेनल्टी कॉर्नर मिलें, ज़्यादातर उनके हाफ में खेल खेला जाए, क्योंकि उनकी कोशिश ये होती है कि वो मिड फील्ड में ही सबको एंगेज रखें। तो उमर भुट्टा काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, उनको चाहिए, मैनेजर कोच को चाहिए जुनेद को, कि अपने खिलाड़ियों को गाइड करें कि वो पोजीशन अपने पास रखें और गाहे बेगाहे वो उनकी डी में ज़रूर दाखिल हों। जितने पेनल्टी कॉर्नर के लिए कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा गोल होंगे। तो अगर अग्रेसिव जैसे हम खेलते हैं वैसे खेलें, और हमारे गोलकीपर भी अच्छा खेल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आज भी अच्छा खेल खेलेंगे। मेरा दिल तो ये कहता है कि पाकिस्तान को आज का मैच जीतना चाहिए और फिर फाइनल में अल्लाह करे कि भारत के साथ हो, और वो एक टफ मैच होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भारत के साथ हो, वो तो हम बड़ी हमारी दुआएं साथ हैं और एक बड़ी खुशी की लहर हम सब में, क्योंकि हमने स्कूल्स में हॉकी खेली है और हमारे एक बड़ी सेलिब्रेशन होती थी शाज़िब कि हम हॉकी लेकर आते थे, हॉकी लेने जाते थे। तो ये क्या एक तरह से एक रिवाइवल है हॉकी का हमारे मुल्क में, वापस से एक कल्चर हमारा वापस आएगा, हमारा कौमी खेल है जिसमें हम प्राइड लेते हैं। और इंडिया के साथ हमारा जो आप कह रहे हैं भारत के साथ जो मुकाबला है वो हम एक हार भी चुके हैं, उसका आपको क्या लगता है कि आगे उसके की वजह क्या बनी, हम क्यों नहीं जीत पाते भारत से? सर ये भी बताइएगा जरा। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमा रहे, क्योंकि पहले ये होता था कि अप टिल 90 काफी हॉकी खेली जाती थी, पाकिस्तान के पास विकेटीज थी और खेल वही मशहूर होता है जिसमें विकेटीज हो। जैसे आजकल हम देख रहे हैं क्रिकेट के जो खिलाड़ी हमारे बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह,
और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जीत रहे हैं, तो सारी बच्चे भी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस अगर जीत से या फाइनल में पहुंचने से ये फ़ायदा होगा, कम से कम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थोड़ी सी इस तरफ ध्यान देगी और जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो फिर हॉकी शुरू करेंगे। जब तक हमारे पास नंबर ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा नहीं होंगे तो हमारे पास चॉइस कम होगी, हमारे पास सेलेक्ट करने को इतने मौके नहीं होंगे। तो इस जीत से या फाइनल खेलने से ये फ़ायदा होगा कि हमारे नंबर्स बढ़ेंगे तो हमारे पास चॉइस भी होगी कि हम और खिलाड़ी ले सकें। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि हमारा जो आजकल क्यों हम जीत नहीं रहे, तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बहुत बेहतर हो गया। अभी आप वर्ल्ड कप में देखें और ओलंपिक गेम्स में देखें और दूसरे गेम्स में देखें तो फ्रांस की टीम ने सेमीफाइनल खेला है, अर्जेंटीना की टीम फाइनलिस्ट हुई और गोल्ड मेडलिस्ट ले गई, और उसमें ब्रसल्स जो है, जो बेल्जियम है, वो सेमीफाइनलिस्ट टीम है। मुकाबला बड़ा सख्त होता जा रहा है, हमने तैयारी नहीं की। हमें अपने नौजवानों को यही बताना चाहिए कि आजकल की हॉकी स्किल अपनी जगह पे, पोजीशन अपनी जगह पे, लेकिन स्ट्रेंथ चाहिए। और ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की ये ड्यूटी है कि वो अपने खिलाड़ियों को ग्रूम करे, जितना अच्छा ग्रूम करेगी उतना अच्छा रिस्पॉन्ड मिलेगा। तो इसके लिए हमें बड़ी सख्त मेहनत की ज़रूरत है, वर्ल्ड रैंकिंग हमारी बड़ी, इसको ऊपर लाने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा सर, इसके साथ साथ जो हमारी टीम है, कौमी टीम है, उसके नए कोच भी आए हैं, आप कैसे देख रहे हैं जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है उनका किरदार कैसा है रिवाइवल के लिए, हॉकी को रिवाइव करने के लिए खासतौर पर? ये नए कोच मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतर हैं, और क्योंकि डच काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जो उनका लोकली, उनको पता है कि किससे हमने स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा बेहतर करेंगे। और उनको थोड़ा सा ये भी पता होता है कि फिजिकल ट्रेनिंग किस तरह कराई जाती है और किस तरह इंडिविजुअली हर खिलाड़ी की कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ अच्छाई होते हैं, उसको किस तरह उजागर करते हैं। जो हमारे यहाँ लकीली मैं भी शामिल हूँ उसमें, बड़ा मुश्किल है, हम इस तरह एनालाइज नहीं कर सकते। तो एक ये फ़ायदा होगा, फेडरेशन को चाहिए कि जब ये वहाँ से फारिग हों तो इनको चाहिए अंडर 18 के साथ लगाए, ताकि उनको ये कोच बताए कि किस तरह खेला जाता है, आपने किस तरह क्या किस वक्त क्या करना है, ये हो सकता है। और जैसे हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हॉकी दिन ब दिन नीचे जा रही, तो इसको ऊपर लाने के लिए हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है और साथ साथ जीत की भी ज़रूरत है। जब आप जीतते हैं तो चीज़ें बहुत सारी बेहतर होती हैं, स्पॉन्सरशिप आती है, उसमें महकमे इन्वॉल्व हो जाते हैं, खिलाड़ियों का फ्यूचर बेहतर होता है। ये सब चीज़ें करने के लिए फेडरेशन ही को काम करना चाहिए। हमारी फेडरेशन को 10-15 साल से बिल्कुल ही काम करना चाहिए। समी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि आज हम सेमीफाइनल भी जीतें और इसके साथ साथ फाइनल भी जीतें। बहुत शुक्रिया आपने हमें शो में ज्वाइन किया और हमसे गुफ्तगू की। समी उल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक ओलंपियन। अब हम आगे चलते हैं और आगे चलकर हम गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से कि कुछ ऐसी शादी हमने देखी, बल्कि शादियां हमने देखी जहां पर खुशियों की लहर थी और बहुत सारे रिश्तेदार थे। बिल्कुल रिश्तेदार थे, एक ही घर के एक नहीं दो नहीं बल्कि के छह लड़कियों की एक ही घर के छह लड़कों से शादी होती है। और ये कैसे कह सकती हूँ, मुल्तान मतलब यहाँ भी बाजी ले गया, एक ही घर के छह बच्चियां और एक ही घर के छह लड़कों की आपस में शादी हुई। हमने तो बहुत एंजॉय किया, आइए आपसे भी ये सारी एंजॉयमेंट शेयर करें ताकि आप लोगों को भी मजा आए। चलते हैं आपको मुल्तान देख। भाई शादियां तो शादी बहुत सी देखी हूँ, एक साथ दो दो बहनों की भी शादी होती है, फ्रेंड्स की भी आगे पीछे शादियां होती हैं। एक दफा पाकपतन शरीफ में मैंने 25 लड़कियों की शादी एक साथ, यानी कि 25 जोड़ों की शादी बराहे रास्त। लेकिन कभी आपने ऐसे देखा कि छह जोड़े हों और एक ही खानदान के हों? नहीं। तो ये तो खुशियां हम कह सकते हैं कि खुशियों का तूफान है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमने ये देखा कि छह जोड़े ऐसे हैं जिनका ताल्लुक एक ही खानदान से है, जिसके अंदर आपको ये बता दें कि छह दुल्हनों में दो सगी बहनें हैं, तीन खाला की बेटियां और एक मामू की बेटी शामिल है। इसके साथ साथ जो दुल्हे हैं उनका भी एक ही खानदान से ताल्लुक है और एक बड़ा इवेंट सजाया गया। हाँ, अभी ऐसा मैंने ऐसी शादी कही नहीं देखी, ऐसा लग रहा था सब बच्चों का वेट कर रहे थे कि भाई जब शादियां होने लगेंगी तो एक ही मंडप में कर देंगे, ऐसे पैसे भी बचे, ऐसे जो है वो लोगों के मेहमानों का आना जाना भी बचा। एक ही दफा शादी हुई, सारे रिश्तेदार शरीक हो गए, किसी का भांजा होगा तो किसी का भतीजा होगा वही। मेरे जहन में भी यही सवाल आ रहा है कि क्या ये महंगाई की वजह से की गई है या इनकी अपनी प्लानिंग थी कि भाई सबकी शादी एक साथ होगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ये तमाम जोड़े ज्वाइन कर चुके हैं शो में। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो शादी की, और अब हम मुबारकबाद के साथ साथ हम ये भी आपसे जानने के
की कोशिश कर लेते हैं कि एक ही दिन में सबकी शादी, इसकी क्या वजूहात थी, ये क्या सबकी ख्वाहिश थी या महंगाई की वजह से ऐसा किया? हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सईद अब्बास साहब मौजूद हैं। सईद साहब जरा बताएं, शाजिरों ने सवाल किया है, जवाब दें। इसका जवाब तो यही है, जब हमारी अहले खाना से बात हुई तो उनका कहना था कि चूंकि जो दुल्हने थी और जो दूल्हे थे तमाम का खानदान एक ही खानदान से ताल्लुक था, इसी वजह से उन्होंने सोचा कि तमाम की इज्तमाही शादी करवाई जाए। महंगाई का दौर है तो इस चीज़ को आम किया जाए कि इकट्ठे शादियां की जाएँ ताकि खर्चा जो है वो बच सके। इस वक्त हमारे साथ दूल्हे राजा एक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इज्तमाही शादियाँ तमाम कज़न की हुई हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएँ कि जो शादियाँ इज्तमाही आपने की हैं खर्चे की बचत की है या कोई और वजह थी? सर एक तो आपको पता है महंगाई बहुत है, ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमारा एक प्यार मोहब्बत आपस में, ठीक है, एक तो खर्चे की बचत हमारी होगी है, दूसरा हमारा जो है दिल की ख्वाहिश थी खानदान इकट्ठे होने की, ठीक है, हमारी जो बरादरी है, हमारी शेख बरादरी है, हमारा बहुत अच्छा ताल्लुक है आपस में, कजनों का, भाइयों का, हमारे खानदान का बहुत अच्छा है। पड़ा जो छह दूल्हे हैं और छह दूल्हे आप तमाम आपस में कजन है? जी हम आपस में कर रहे हैं, तीन भाई हैं और तीन बहनें हैं, ठीक है, तीन भाई और तीन बहनें भी इनमें हैं, बाकी तमाम कजन हैं। तो अभी एक दुल्हन से भी आपकी बात करवाते हैं, ये आप थोड़ा सा बताएं कि शादी के बाद कैसा महसूस कर रही हैं और इकट्ठी शादी हुई कजन की तो कैसा इवेंट? जी हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि सब कजन की एक साथ शादी हुई है। जिस तरह के आपने देखा दुल्हन जो है वो थोड़ा सा शर्मा रही थी, अब मजीद किसी बड़े हो गए और बड़े होते शादी साथ हो गई, ये पता है था ना, साथ खेलते थे, पिट्टू गरम खेलते थे, बर्फ पानी खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे, आओ चलो शादी भी साथ ही कर लेते सारे एक साथ, ये बड़ा जबरदस्त मंजर है। जी मजीद यहाँ पे जोड़े मौजूद है, इनसे बात करते हैं, आप थोड़ा सा बताएं कि ये जो आपकी शादियां हैं इसमें आपकी अपनी मर्जी भी थी कि खानदान की मर्जी से सारी शादियां? नहीं, हमारे खानदान की वजह से, जो है ना हमारे बड़े हैं वो जो एक बात कर रहते हैं उसी बात पे कायम रहते हैं, उनकी मर्जी से हुई है। फिर अब मैंने सुना था कि आठ जो आप कजन हैं उनकी शादियां होनी थी, दो की किसी वजह से नहीं हो सकी, तो ये बात ठीक है? जी अगले जो चार पिछले और बच रहे हैं उनकी भी छह इकट्ठी करनी है हमने, इस वजह से आपने आठ की नहीं की छह की है, अगली दफा फिर छह की। आगे भी इनका यही प्लान है कि इन्होंने छह इकट्ठी करनी है। इसके साथ साथ इनसे ये पूछे हैं कि जिस जो वजह वो बता रहे हैं कि महंगाई की वजह से हमने ऐसा किया है, तो इनसे पूछे कि खर्चा कितना आया, क्या खर्चे में वाकई बहुत कमी देखी है उन्होंने इस तरह एक इवेंट करा के, या तकरीबन वही खर्चा हो गया वही बात हो गई, ताकि हम सबको बता सकें भाई आप लोग भी ऐसी शादियां प्लान कर लिया करें। जिस तरह से आपने बात की तो खर्चे के लिए मेरे ख्याल में इनके किसी बड़े से बात करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि खर्चा कितना हुआ है। तो हमारे साथ इनके एक बड़े मौजूद हैं, आप इधर आ जाएं, आप थोड़ा सा बता दें क्योंकि इन्हें तो पता नहीं, वो तो अपनी शादी की खुशियों में मगन होंगे ना, खर्चे तो आपने किए हैं, तो थोड़ा सा बता दें कि शादी पे कितना खर्चा हुआ है। देखिए अगर हम एक की भी शादी करते फिर भी 3-4 लाख तो मामूली लगता है ना, हमने ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई एक्सपेंस किए हैं, हम चार दिन का लिमिटेड एक्सपेंस में काम हो तो हमारा राउंड अबाउट 5-1 लाख रुपया लगा है, जिससे हमारे 6 बच्चों की शादी हो गई। 6 बच्चों की शादी 5 लाख में हो गई, कितनी सस्ती शादी 5 लाख करने पे डिपेंड आप कर रहे हैं ना, एक्सपेंस को जितना मर्जी बढ़ाते जाएंगे बढ़ता जाएगा, तो इसलिए हमने इसको कम करने की कोशिश की है। लेकिन बात यह है कि अब अगर महंगाई के हम रोना धोते रहेंगे तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, उसमें एडजस्ट होना चाहिए हमें, और उसी एडजस्टमेंट की खातर फिर हमारी यूनिटी है, उस यूनिटी को आगे लेके आना चाह रहे थे हम, कि अगर खानदान में एक चीज़ हमारे चल रही है हमारे इत्तेहाद है तो आगे ला रहे हैं, और बाकियों को भी चाहिए कि वो इस तरह करें, ये इत्तेहाद बिल्कुल शो करें। इसके साथ ये बताएं कि जो सलामी इकट्ठी हुई है वो कितनी हुई, क्योंकि जो रिश्तेदार होंगे वो तो परेशान हो गए होंगे, जब 6 जोड़े हैं तो सबको सलामी देनी पड़ेगी एक साथ। सर हमें तो इस चीज़ का पता नहीं है, ठीक है, ये हमारे बड़ों को पता है, ठीक है, मेरे वाल साहब को, मेरे चाचू अब आपको, इन सारों को पता है। जिस तरह के आपने सुना कि इनका कहना कि इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कितनी सलामियां इकट्ठी हुई हैं, जो भी सलामियां इकट्ठी हुई फरमाबरदार बच्चों की तरह इन्होंने अपने वालदैन के हवाले कर दी। ये बड़ा आपने मासूमाना सवाल किया, इन्हीं से पूछते हैं, सलामियां तो वालदैन को के पास चली गई, तो आपको ये पता चल गया कि आपकी शादी हो गई? जी ये दुल्हन ने बड़े शर्मा के कहा कि हाँ शादी हो गई है। वाह शुक्र, देखिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, औरतें आगे बढ़ रही हैं और हिम्मत
वाली खातून है। अच्छा ये बताएं मुझे कि शादी एक दिन हुई है, क्या बकिया रसूमात जो मेहंदी माइयों बकिया वलीमा वो भी सबका एक साथ ही हुआ है क्या? ये तमाम का जो शादी का फंक्शन था बारात भी एक साथ, उसके अलावा वलीमे का जो फंक्शन था वो भी एक साथ, और जो मेहंदी का फंक्शन था क्योंकि एक ही मोहल्ले के सारे हैं तो वो भी एक साथ ही हुआ था। तो फिर मैं ये जानना चाहती हूँ कि बड़ी मिक्स से सबके मिले जुले इमोशंस होंगे, क्योंकि एक तरफ जो है वो बहन जा रही होगी तो कोई रो रहा होगा, और दूसरी तरफ से भाभी आ रही होगी तो वो खुश हो रहे होंगे, तो ये मतलब अजीब सी था। वो रुखसती का मंदिर क्या था? मैं वो रुखसती का मंदिर समझना चाहता हूँ। ये कैफियत जो है ना, ये तो कोई दुल्हन ही बता सकती है, उनसे बात करते हैं। थोड़ा सा बताएं कि जब रुखसती का वक्त था तो कैसा महसूस कर रहे थे आप, क्योंकि सारे रिश्तेदार थे, तो कोई रोने के मनाजर थे, खुशी के मनाजर थे, कि मिले जुले मनाजर थे? आप बता दें, दुल्हन तो शर्मा रही है, आप बता दें कि कैसा मंजर था? साफ सर एक ही फैमिली के लोग थे तो रुखसतियां भी हो रही थी, डोलियां भी आ रही थी, तो कैसा बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। दरअसल बात यह है कि जब दुल्हन की रुखसती होती है तो जाहिर बात है कि थोड़ा सा रोना तो आता है, वो खुशी के ही आंसू होते हैं, वो खुशी होती है इनको भी महसूस। इस तरह के आपने दुल्हे राजा की बात सुनी कि वो कहते हैं कि दुल्हन के जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे। सबसे ज्यादा तो दूल्हे ने बता दिया कि दुल्हन किस तरह रो रही थी। यहाँ पर आप इन सबसे ये पूछें कि जितने नौजवान हैं, जाहिर है जो इनके दोस्त अहबाब भी होंगे, इनके सर्कल में होंगे, वो सब ने भी इनकी शादी में शिरकत की होगी और देखा होगा किस तरीके से ये शादी हुई है, तो इस दौर में ये क्या पैगाम देना चाहते हैं वो तमाम नौजवानों को कि भाई आप लोग भी ऐसे ही शादी कर लिया करें, सब मिलजुल कर और एक ही इवेंट मुनक्कद किया करें? जी एक और दूल्हा यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बताएं कि आप दोस्तों को क्या पैगाम देंगे, आपके दोस्तों ने भी आपकी शादी में शिरकत की होगी, तो इसी तरह आपकी तरह इकट्ठी शादियाँ की जाएं ताकि बचत भी हो और सारे फैमिली के लोग इकट्ठे एक ही दफ़ा इवेंट में शिरकत कर लें? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे हमारे भाइयों की शादी हुई है ना, ऐसे इकट्ठे ऐसे छः के आगे भी होनी चाहिए। हाँ इनसे पूछिएगा जरी साहब कि शादी के रसूमात में सबसे ज्यादा कौन से दिन का खाना बहुत अच्छा लगा है दूल्हा और दुल्हनों को, जरा? और इस बात पे झगड़ा तो नहीं हुआ कि कोई दूल्हा मौजूद है, इनसे बात करते हैं खाना ये रखवाना है। आपको खाना शादी के किस दिन ज्यादा अच्छा लगा, वलीमे वाले दिन, बारात वाले दिन, या किसी और दिन, मेहंदी वाली रात? कौन सी रात थी या कौन सा दिन था जो खाना आपको अच्छा लगा? तीनों दिन ही अच्छा लगा, तीनों दिन ही हमारा बकरा पका हुआ था बहुत अच्छा लगा, तीनों दिन बकरा पका हुआ था अच्छा लगा। आखिरी सवाल मैं इनसे ये आपसे चाहता हूँ कि इनसे पूछें कि जितनी दुल्हनें हैं वो बड़ी कॉन्शियस होती हैं इस बारे में कि उनका जो ड्रेस है वो सबसे मुख्तलिफ हो। जब छह दुल्हनें थीं, क्या उनको आपस में कोई नाराजगी तो नहीं हुई, या किसी का ड्रेस सेम तो नहीं था? कोई ऐसी सबसे अच्छा किसका था, सबसे अच्छा किसका था? और क्या उन्होंने कोई ऐसी शिकायत तो नहीं की कि भाई इसका जो है ना मेरी कजन का ड्रेस मेरे जैसा नहीं होना चाहिए? और मेकअप कहाँ से करवाया, इनकी दुल्हनें जानते हैं? और दुल्हनों को अपनी दुल्हनें किस दिन सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप थोड़ा सा बताएं कि आप लोगों का बारात वाले दिन जब आपकी डोलियां उठी तो आपका जो रूसी लिबास था वो एक जैसा था कि मुख्तलिफ था, और सबसे ज्यादा अच्छा लिबास किसका था? सबका ही बहुत प्यारी ड्रेसिंग थी और हम सब एक बहने इकट्ठे एक जैसे ही तैयार हुए थे। और मेकअप के लिए आपने किस ब्यूटी पार्लर का रुख किया था या घर पे किसी को मंगवा लिया था? नहीं, सब ब्यूटी पार्लर से ही रेडी हुए थे, एक साथ ही गए थे हम सब। अब थोड़ा सा दुल्हनों से पूछते हैं, आपको अपनी दुल्हन कैसी लगी जब सजदा के आई? माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी, बहुत प्यारी लगी। किस दिन सबसे ज्यादा अच्छी लगी? आपने सुना शर्मा के, उन्होंने कहा कि बहुत प्यारी लगी माशाल्लाह जी। देखो वो सब शर्मा के यही कह रहे हैं कि इन सबको दुल्हनें बहुत प्यारी लगी और यकीन तौर पर बहुत अच्छी लगी होंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और अच्छा पैगाम भी है सब लोगों के लिए, खासतौर पर जिनकी शादियां करीब हैं, कि आप लोग मिलजुल कर ऐसे मुत्तहिद होकर एक शादी अरेंज कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में बहुत शादियां करीब आ रही हैं तो इस तरीके से आप महंगाई जितनी बढ़ गई है उसमें अपना खर्चा भी बचा सकते हैं। अब शाज़िब हम सब लोगों से लेते हैं इजाजत। आज भी हमने कोशिश की आपके सामने सबसे बड़े पाकिस्तान एक दिन का अच्छा आगाज हो सके, इन्फॉर्मेटिव हो सके, नॉलेज से भरपूर हो सके। इंशाल्लाह फिर कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए शाज़िब अहमद और माया खान को दीजिए इजाज़त और रखिएगा अपना बेहद ख्याल। पाकिस्तान के परवरदिगार हामी नासिर।